हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे लकी बच्चों को जिनको देखने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी से कभी भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हो रही रोज़मर्रा के कारण हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कितने लकी हैं। तो दोस्तों, आपको इन बच्चों को देखने के बाद खुद से प्यार हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन बच्चों के बारे में। डोनाविया वालकर। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतने आगे निकल गई है कि हम घर में ही जान लेते हैं कि बच्चे कैसे हैं। लेकिन डोनाविया के माता को एक बुरा सरप्राइज मिला और डॉक्टर जिन्होंने माता का अल्ट्रासाउंड किया था वो ये देख नहीं पाए कि आने वाले बच्चे के हाथ तो है ही नहीं। और फिर जन्म के बाद माता और डोनाविया ने कभी हार नहीं माना और फिर डोनाविया के माता पिता ने एक अलग से प्रोग्रामिंग बनाया जिससे उसकी बेटी एक सामान्य ज़िंदगी जी सके। डोनाविया अब जवान हो चुकी थी, वो अब हर एक काम करने के लिए अपने पैरों का सहारा लेती थी। वो पैरों से खाना खाती है और ब्रश करती, और इतना ही नहीं वो एक अच्छी ड्राइवर भी बन चुकी है। लेकिन उसके लिए ये काफ़ी नहीं था, तो डोनाविया ने अपने देश की मिलिट्री में एक स्पोर्ट कमांडर भी है। इसकी सहायता से वो दिव्यांग और अपाहिज लोगों को कुछ अलग करने की प्रेरणा देती है। नोहवाल। डॉक्टर को विश्वास नहीं था कि ये लड़का जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके माता पिता ने कुछ चमत्कार होने का इंतज़ार करने लगे। असल में नोह के जन्म के समय उसका दिमाग 90% तक डैमेज हो चुका था। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ने परेशानी ढूंढ निकाली, लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए नोह जिंदा बच गया। उसकी बे इंतहा ऑपरेशन की गई। इस बच्चे के माता पिता पूरा का पूरा दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहते थे, सिर्फ इसी इंतज़ार में कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस बच्चे के लिए एक अलग भाषा का जन्म दिया जो इसके माता पिता को समझाया गया। इसके बाद नोह के माता पिता सिर्फ इसी प्रोग्राम के तहत बात कर सकते हैं। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बच्चे के दिमाग का विकास होने लगा और जब नोह 5 साल का हुआ तो उसका दिमाग आम बच्चों से सिर्फ 20% छोटा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा अभी भी खुद के सहारे चल नहीं सकता था क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी अभी भी ठीक नहीं की जा सकती थी। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टर ज़रूर इसका कुछ हल निकालेंगे। जॉनी क्वीन। जॉनी क्वीन का जन्म बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जब जॉनी सिर्फ 4 साल का था तब उस गार्डन में आग लग गई जिसमें जॉनी खेल रहा था। उसकी बड़ी बहन ने जैसे तैसे आग के बाहर निकाला। बदकिस्मती से तब तक जॉनी के शरीर को आग ने 75% तक जला दिया और डॉक्टर को पूरे 87 ऑपरेशन करने पड़े सिर्फ जॉनी को जिंदा रखने के लिए। इस दुर्घटना ने जॉनी की ज़िंदगी बदल डाली। वो अब भी सामान्य बच्चों की तरह नहीं दिख पाएगा, केवल 4 साल की उम्र से अपने शरीर को झेलता आ रहा है, ऐसा जॉनी ने कहा। और साथ में उसने ये भी कहा कि काश वो उस आग में उसी समय मर गया होता। लेकिन किस्मत से इस कहानी का अंत कुछ अच्छा हुआ। जॉनी ने अब खुद को स्वीकार कर लिया है। बेशक अब वो पहले जैसा नॉर्मल नहीं दिख सकता, लेकिन उसे अभी भी शर्म आती है जब लोग उसे घूर कर देखते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं। लेकिन अब वो लोगों को इग्नोर करना सीख चुका है। फिश बॉय। चाइना में रहने वाले इस बच्चों को उसके पड़ोसी फिश बॉय कहते हैं। ये बच्चा एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम इक्टूटियोस है। इस बीमारी में पीड़ित की खाल कई जगह से बिल्कुल सख्त हो जाती है जो दिखने में कुछ मछली जैसी लगती है। इस दुनिया में इस बीमारी से पीड़ित सिर्फ 1600 लोग ही मौजूद हैं। ये बीमारी जन्म के समय नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ साथ पीड़ित की त्वचा में बहुत दर्द होने लगता है। इस लड़के की माँ ने बताया कि ये लड़का कई दिनों तक सो नहीं पाता क्योंकि दर्द की वजह से इसे नींद नहीं आती। वहीं डॉक्टर इस लड़के पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वो इस लड़के को नॉर्मल बना देंगे। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो इस लड़के की पूरी त्वचा ही बदल डालेंगे। मनार मेगेड।
इजिप्ट में रहने वाली मना ने दुनिया की एक रेयर बीमारी को झेला है। जब उसकी माता के गर्भ में ट्विंस एक साथ पल रहे थे तो उसमें एक बच्चा पूरी तरह से बड़ा नहीं हो पाया और परिणाम ये आया कि वो दूसरे बच्चे से जाकर चिपक गया। मनार का दूसरा सर सूंघ सकता था, उसकी आंखें पलक झपकती है, लेकिन सिर्फ एक अकेले सर का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। दूसरे सर में आँख नाक और कान मौजूद थे, लेकिन वो शरीर के सभी दूसरे अंग से जुड़े नहीं थे। डॉक्टर ने इस बीमारी को रियर ऑस्टोफ्रियर का नाम दिया। इस बीमारी की वजह से मनार कभी एक आम इंसान नहीं बन पाई। इसके बाद उसके माता पिता ने सर्जरी कराने का निर्णय लिया। बेशक सर्जरी सफल रहा, मनार का दूसरा सर अलग कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसका हानिकांत बहुत बुरा हुआ। मनार को बिल्कुल ठीक करके हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया, लेकिन भेजने के 4 दिन बाद फिर उसे हॉस्पिटल लाया गया और तब उसकी हालत ऐसी थी कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके दिमाग में इन्फेक्शन फैल चुका था और हॉस्पिटल में लाने के 3 दिन बाद ही मनार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और हमारे वीडियो को देखते रहो।